राज्यसभा में सर्वसम्मति से घाटी में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाए वाले विधेयक को समाजवादी पार्टी सपा, बीजेडी, टीएमसी सहित कई दलों के समर्थन मिला और प्रस्ताव पारित हो गया। वहीं राज्यसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक भी पेश किया गया। ये विधेयक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ ही नियंत्रण रेखा में मौजूद लोगों को आरक्षण का लाभ देगा। आई शैल नाउ पुट द मोशन मूव्ड बाय श्री अमित शाह टू वोट। द क्वेश्चन इज दैट द जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2019 एज पास्ड बाय लोकसभा बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। दोज इन फेवर प्लीज से आई, दोज अगेंस्ट विल प्लीज से नो। आई थिंक द आईज हैव इट, द आईज हैव इट, द आईज हैव इट, द मोशन इज अडॉप्टेड। महोदय, मैं चाहता हूं कि यह विधेयक पास किया जाए। मोशन मूव्ड दैट द बिल बी पास। द क्वेश्चन इज दैट द बिल बी पास। दोज इन फेवर विल प्लीज से आई, दोज अगेंस्ट विल प्लीज से नो। आई थिंक द आईज हैव इट, द आईज हैव इट, द आईज हैव इट, द बिल इज पास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में 130 अलगाववादी नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, जबकि ये नेता घाटी में स्कूल और कॉलेजों को बंद करवा देते हैं। उन्होंने कहा कि अलगाववादियों को कश्मीरी युवाओं को पत्थर फेंकने के लिए उकसाने का कोई पछतावा नहीं है और वो चेतावनी देते हैं कि ऐसा ना करने पर उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। शाह ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र में राष्ट्रपति शासन के तहत स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं को फिर से पटरी पर लाने का काम किया जाएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 महीने और बढ़ाने के लिए पेश प्रस्ताव पर बहस के दौरान उन्होंने कहा, हम कश्मीर के लोगों का दिल जीतेंगे, वो हमें गले लगाएंगे।